नमस्ते सभी को। मैं आशीष, एक बार फिर आपका स्वागत है योगा जर्नी विद आशीष में। आज मैं आपको कोरोना के लिए कुछ स्पेशल टिप्स बताने वाला हूँ। कुछ तीन टिप्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने ये तीन टिप्स आपने फॉलो कर ली तो आपको किसी भी कोरोना का बाप भी आ जाएगा, आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सबसे पहली चीज़, आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, जिसके लिए आपको मास्क या सैनिटाइजर की जरूरत पड़ती है। वो आप घर पर कैसे कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको बताऊँगा। दूसरी चीज़, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है। और तीसरी चीज़, आपको स्ट्रेस फ्री रहना। ये तीनों चीज़ अगर आपने कर ली तो आपको कोरोना कोई भी वायरस आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। तो सबसे पहली चीज़, आपको मास्क या सैनिटाइजर की जरूरत पड़ती है। तो मास्क या सैनिटाइजर के लिए देखो, मैं आपको सिंपली एक दुपट्टा दिखाना चाहता हूँ। ये दुपट्टा मैंने कॉटन का लिया हुआ है, 100 रुपीज़ का मैंने ओनली लिया है। इसको मैंने डबल किया हुआ है। जब भी मैं बाइक पे या कहीं बाहर निकलता हूँ तो इसको आराम से मुँह पर बांध लेता हूँ। तो आप इसको 2 बार, 4 लेयर, 3 लेयर, 2 लेयर, जितना आपको कम्फर्ट लगे, आप जितना चाहो उतना आप इजिली इसको बांध के कहीं भी जा। इसकी खास बात यह है, इसको आप डिटर्जेंट वाटर में एक बार डुबो दो, हल्का सा वॉश करो और धूप में सुखा दो। तो जो भी इस पर बैक्टीरियाज वगैरह लगे होंगे धूप में जाने के बाद वो खत्म हो जाएंगे। तो उसको आप रीयूज़ कर सकते हो। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल है, आप इजीली इसको ले सकते हो। दूसरी चीज़ आती है सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र के लिए आपको मेडिकल स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं है, महंगे सैनिटाइज़र खरीदने की जरूरत नहीं है। सबसे सिंपल और सबसे आसान चीज़ बताने वाला हूँ, फिटकरी। फिटकरी के लिए आपको थोड़ी सी फिटकरी लेनी है, लगभग 1 लोटा पानी उबालना है, उसके अंदर थोड़ी सी फिटकरी मिला के उसको घोल कर रख लेना। उस घोल को हमेशा ढक के रखना है, और जब भी आप कहीं से आते हो, जाते हो या फिर कुछ भी करते हो तो आप उसको हल्का सा पानी को हाथों पे लेके हल्का वॉश कर लो, आपके हाथ सैनिटाइज हो जाएंगे और आपको किसी भी महंगे सैनिटाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब बात आती है इम्यून सिस्टम के लिए। इम्यून सिस्टम के लिए अगर हम कोई भी विटामिन सी वाला प्रोडक्ट खाते हैं तो उससे हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूती मिलती है। तो सबसे पहली चीज़ हम ले सकते हैं आंवला, आंवला जूस पी सकते हैं। आंवला, 2 आंवलों को हम ताज़ा कद्दूकस करके उसका जूस निकाल सकते हैं, नहीं तो 2 संतरों का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो हम 400 ग्राम कोई भी मिक्स फ्रूट्स ले सकते हैं, जिसमें हमारी जो विटामिन सी होगी हमारे लिए भरपूर होगी। तो इन चारों में से आपको जो भी कंफर्ट लगेगा आप इजीली ले सकते हो। अब तीसरी चीज़ आती है प्राणायाम। तो प्राणायाम के लिए आपको मैं एक चंद्रनाड़ी प्राणायाम बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप थोड़ी सी योगिंग जॉगिंग कर ले, थोड़ी सी हल्की फुल्की घर में रनिंग सी कर ले, थोड़ा घूम फिर लें, दंड बैठक या पुशअप आप जो भी लगा सकते हैं आप वो लगा लें, उसके बाद इस चंद्रनाड़ी प्राणायाम को करें। चंद्रनाड़ी प्राणायाम के लिए आपको लेफ्ट से सांस लेना है, कुछ सेकेंड होल्ड करना है अंदर, राइट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से लेना है, होल्ड, राइट से एक्सहेल। ऐसे ही आपको कंटिन्यू करना है, लेफ्ट से लेना है, होल्ड करना है, राइट से छोड़ना है, कंटिन्यू आपको ऐसे करना है। आप लगभग इसको 5 से 10 मिनट कर सकते हो। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप 100% सेफ हो, आपको कोई भी वायरस आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर उसके बाद भी आ जाते हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए आपको ताकत देगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी, लाइक करें ना करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वीडियो ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो हर भारतीय के पास ज़रूर पहुँच जानी चाहिए। तो आशा करता हूँ आप इसमें सहयोग करेंगे। तो मिलता हूँ आपसे फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।